आज की रेसिपी थी पालक के पकोड़े, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। रमज़ान में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी के फैमिली किचन। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल पालक के पकौड़े, जिसके लिए मैंने ये 100 ग्राम पालक ली है, इसको दो के काट लिया है, हरा धनिया, ये कुछ मसाले हैं, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच कूटा धनिया, और आटा हम पालक के हिसाब से डालेंगे। तो ये चलते हैं हम आटा बना लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आटा नहीं, में हम सारे मसाले डाल लेते हैं। नमक को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में धनिया डाल देते हैं, इसको मिक्स करते हैं। आटा इसमें थोड़ा कम हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पकौड़े का आटा हमने तैयार कर लिया है, इसमें आप सुर्ख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और बच्चों के लिए बनाना हो तो ऐसे बनाना। अब हम ऑयल गरम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। स्टोव को हमने ऑन कर दिया है, उस पर कढ़ाई रख दी है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पकौड़े फ्राई करते हैं। हमारे एक तरफ से पल चुके हैं, इसको हम पलट लेते हैं। पकौड़े हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। हमारी बाकी की पकौड़ी भी तल चुकी है, इसको भी हम निकालेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक की पकौड़ी जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, बेल बटन भी दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।